Camera on, reporter dog. यूं तो हर दिन भाटपाड़ा से लेकर जगदली इलाके में कहीं न कहीं झड़प, आगजनी या हत्या का आलम जारी है। इसके साथ साथ भाजपा एवं तृणमूल का एक दूसरे पर आरोप व प्रत्यारोप। इसी दौरान कल देर रात जगदल के पालघाट रोड इलाके में आकाश प्रसाद नामक एक युवक की हत्या हो जाती है। जानकारी के अनुसार आकाश प्रसाद भाटपाड़ा तृणमूल कांग्रेस के कन्वेनर सोमनाथ श्याम का काफी करीबी रहा। आकाश हमारा तृणमूल कांग्रेस का एक कर्मी था और एक निष्ठ कर्मी था। आज के दिन में आकाश के चलते पूरे 12 नंबर वार्ड में कोई भी बीजेपी का झंडा नहीं उठा रहा है। आकाश मेरा कर्मी था तृणमूल कांग्रेस का, मेरे साथ रहता था, ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, इसमें मेरे को कोई झिझक नहीं है बोलने में। देखिए आकाश का बैकग्राउंड पहले जो था, अभी तो वो सोशल वर्क करता था और बहुत ही अच्छा लड़का था, आप लोग लोकल एरिया में जाके इसका पता लगा सकते हैं। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आकाश एक असामाजिक चरित्र का तथा समाज विरोधी कार्यकलापों में लिप्त था। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कल भी वह इलाके में रंगदारी वसूलने ही आया था, जिससे उत्तेजित लोगों के हत्थे चढ़ गया व उसकी मौत हो गई। तो नहीं हुआ, तो गली में हुआ है। क्या हुआ था? आप क्या देखे थे जब दुकान बंद कर रहे थे? वही लोग मारा है, लोग पब्लिक मारा। कितना बजे का बात होगा? वही 8 बजे कर। 8 बजे पब्लिक पूरा मारा, वो पिस्तौल लेकर आया है। पिस्तौल कितने लोग, कितना आदमी लोग होगा चाची? ओ 10 गो लोग है, छोटा छोटा जैसे छोटा छोटा। हाँ। सब क्या, सब बम लेके घूम रहा था? गोली बम चलाते हुए देखे थे? नहीं, हम लोग नहीं देखे। लेकिन यहाँ एक जन को लगा था आपके पास में गिरा हुआ था, क्या बोलेंगे? वो कहाँ से आया था? वो पता नहीं। अच्छा, जो लड़का जो जिसको जो आहत हुआ है, जो मर गया जो लड़का, वो उसको आप जानते थे? नहीं नहीं जानते नहीं। थे तो उसको सब घेर के मारा क्या? वो मारने आया। अच्छा, वो किसी को मारने आया है कि जी गुंडा लोग है, मस्तान लोग है, उसको पब्लिक मारा है क्या? पब्लिक पूरा पब्लिक मारा, पब्लिक सिटी में उसका। हाँ, पब्लिक वो किसी को मारने आया था। हाँ, मारे पिस्तौल लेकर आया है मारने का। जो इसका मर गया। हाँ, और फिर एक बार चल गया, फिर दोबारा आया। के कुछ लोग है, अगर आकाश मशीन लेके आता तो वहाँ उन लोग उस तरह उसको मार नहीं पाते। जो मशीन लेके आएगा वो कम से कम अपना मौत से तो भाग ही सकता है गोली चला के, लेकिन आकाश ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और जो लोग मारे हैं वहाँ पर आकाश का कोई मशीन भी पाया नहीं गया, ये एक झूठा आरोप है ताकि केस को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन स्थानीय लोगों के हमले में बम का चलना कई सवाल खड़े करता है। वही इस हत्या के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक और आकाश के परिवार वालों के अनुसार उसकी हत्या तृणमूल के गुटबाजी के कारण हुई है। हुआ था, वो लोग बुला कर ले गया रहा, वो ले गया, उसको सब मिल के मारा है यार, वही यही हम जानता है। कौन बुला के लेके गया? वो सब अशोक साहु के भाई सब रहा, वही मैं अभी भाई मिल। पार्टी का लोग है? पार्टी के लोग है, पार्टी करता है। कौन सा पार्टी का लोग? ओ अपने बजरंग परिषद नाम बोले। अच्छा, कौन सा पार्टी का लोग? हमारे टीएमसी। कन्वेनर सोमनाथ श्याम, भले ही इस हत्या के लिए हमेशा की तरह सांसद अर्जुन सिंह को जिम्मेदार ठहराए हैं, पर उनके बयान में गुटबाजी को भी उजागर करता है। हमारा एक कर्मी को आज उठा लेना, मतलब कहीं ना कहीं हमारा एक अंग तो कटा ही, इससे तो हम कमजोर कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। ये सांसद पहले खुद ही क्रिमिनल लोगों का सरदार था और ये डकैती चोरी छीनताई सब चीज़ सांसद ही पहले करवाता था, इसीलिए हर बात में उसको यही समझ में आता कि हर कोई डकैती करने गया, उसे सब मालूम हो जाता पहले से, कहाँ चोरी होगा, कहाँ चोरी कौन किया है, कौन लोहा चोर है, कौन पीतल चोर है, सांसद को सब पता चल जाता है। आकाश हमारा तृणमूल कांग्रेस का एक कर्मी था और एक निष्ठ कर्मी था। सांसद को इसलिए झाल लग रहा है क्योंकि आज के दिन में आकाश के चलते पूरे 12 नंबर वार्ड में कोई भी बीजेपी का झंडा नहीं उठा रहा है, क्योंकि आकाश ने इस तरीके से लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, आज उसका जुड़ा हुआ है, वो क्रिमिनल है कि गुंडा है। आज अगर आप केला बगान लाइन में जाइएगा तो वहाँ शोक पड़ा हुआ है, हर घर में खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, वहाँ हर औरतें रो रही है आकाश के लिए। आकाश मेरा
कर्मी था तृणमूल कांग्रेस का, मेरे साथ रहता था, ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, इसमें मेरे को कोई झिझक नहीं है बोलने में, वो बहुत बहुत ही अच्छा लड़का था। आज के 12 नंबर वार्डे अर्जुन सिंह झंडा तो नेवार जन्य क्यों लोक नहीं, সেখানে আজকে অর্জুন যদি আকাশকে সরিয়ে দিতে পারলো, সে যে কোনো পরিকল্পনা করেই করুক, সেখানে ও তো দেখলো যে 12 নম্বর আজকে খালি হয়ে গেল অর্জুন, কিন্তু অর্জুনের এটা ভুল, এক আকাশ চলে গেলে আরও 10টা আকাশ আমাদের কাছে আছে, অর্জুনকে কোনো রকমে আমরা কোথাও ঢুকতে দেবো না। আকাশকে পরিবারকে সাথে জুড়া হুম, मैं हर चीज़ उसका देखूंगा, ये मेरा जिम्मेवारी है। ये छठ पुजो हमारे महान पर्व चले जा रे हमारा दलियोंगत सिद्धांत नब जो हमारा की करब। वही सांसद अर्जुन सिंह ने इस घटना में खुद के या भाजपा के कहीं से भी शामिल होने से इनकार किया, लेकिन एक जान चले जाने को प्रशासन की विफलता बताया। किसी दिन आगे तो सुन चलने तीनों बीजेपी को लोग ही नहीं, सब लोग ना के तीनों मुड़ गए, বিজেপির লোক কোথা থেকে? যদিও হলো তৃণমূলে কত বড় দুর্ভাগ্য যে তার কনভেনর না কি নেতা সন্না সাং যার কাজই হলো চুরি ডাকাতি খুন লুটপাট যারা করে তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করে। শুনেছি নাকি ওর দলের সক্রিয় কর্মী ছিল, ভাটপাড়া মানুষের জন্য তো খুব একটা অদ্ভুত কথা কি সে সক্রিয় কর্মী যারা, এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে তৃণমূলের মধ্যে ক্রিমিনাল গুন্ডা ছাড়া ড্রাগ বিক্রি করে তাদের ছাড়া কেউ নেই। ও চুরি ছিনতাই করতে গেছিল, তাকে পাবলিক পিটিয়ে মেরে দিয়েছে, এটাই হয়েছে। কিন্তু সব থেকে প্রশ্ন কোশ্চেনেবল হয়ে গেছে থানার ভূমিকাটা। থানা যদি এই অপরাধীদেরকে অ্যারেস্ট করত তাহলে এইসব ঘটনা ঘটতো না, কিন্তু থানা বাহাল তবিয়াতে বলে দিয়েছে ভাই তুমি যা ইচ্ছা তাই করো, আমি কিছু করব না, কেন আমাকে উপর থেকে বারণ করা আছে, মানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারণ করা আছে। ও রিসেন্টলি কয়েকদিন ধরে রোজ এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছিল, লাস্টে পাবলিক রিয়েকশন করে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে। আপনার অভিযোগ তো আমরা করছি না, এই অভিযোগ তো বাড়ির লোকরা করছে। আপনার মনে আছে ওই একটা মুসলিম ছেলে বাচ্চা ছেলে স্কুলে পড়তো তার খুন করে দিয়েছিল, তার বাবা স্পষ্টভাবে বলেছিল সোমনাথ স্যামের অফিস থেকে যারা বসে তারাই খুন করেছে, তারপরে আজকে এই ঘটনাটা ঘটল। যথেষ্ট ওই ছেলেটা ক্রিমিনাল ছিল না, বাট এই ছেলেটা তো অফিসিয়াল ক্রিমিনাল ছিল, পুলিশের প্রশ্রয়ে ড্রাগস বিক্রি করত, গাঁজা বিক্রি করত, আর চিন্তাই ডাকাতি তৃণমূলে তৃণমূলে তো এখন ক্রিমিনাল মস্তান গুন্ডা ছাড়া তো কেউ নেই। আমি যে বারবার বলছি পুলিশ আর গুন্ডা, ব্যারাকপুরকে ব্যাটেল ফিল্ড বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এইটাই হলো ব্যারাকপুরটাকে শেষ করে দেবো। কি दूसरी ओर अर्जुन सिंह के सबसे मजबूत विरोधी व जगदल टाउन तृणमूल के सभापति संजय सिंह ने भी आकाश प्रसाद को समाज विरोधी बताते हुए उसे तृणमूल कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया है। आकाश प्रसाद कथा जी बोलते वो खंडन कर हमारे जाना नहीं। এবার ওর বাবা কি করে বলবে, বললো কি কে নিয়ে গেছে না নিয়ে গেছে। আমি বা কালকে শুনলাম একটা ঘটনা হয়েছে, পাবলিক গান ধুলাই করেছে একজন ক্রিমিনালকে, তো আমরা তো হিংসা রাজনীতি করি না। সোমনাথ শ্যাম বলছেন যে তিনি ভালো জায়গা না না ওকে ওই যে যার সঙ্গে কালকে যে মারা গেছে সে তো ক্রিমিনাল, আমরা উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করি না। তৃণমূল কর্মী তৃণমূল কংগ্রেস কোনোদিন হিংসা রাজনীতি করে না। আমি তো বলছি আমি ইনকোয়ারি করে দেখতে পারেন, ও কোন দল করে আমরা নিজেই জানি না, আজ পর্যন্ত কোনো মিটিং ছিল আমরা দেখিনি ওকে, তাহলে কি করে আমরা মেনে নিবো কেউ দল করে আমাদের? ওর নামে অনেক অভিযোগ আছে জগদল থানা ভাটপাড়া থানায়। আকাশ সাও না আকাশ প্রসাদ কি বললেন ওর নামে? ও তো ক্রিমিনাল যতটুকু আমরা জানি ক্রিমিনাল। কালকে শুনেছি ঘটনাটা ছিনতাই করছিল পাবলিক ধরে মেরেছে। আমাদের কালকে গিয়েছিলাম স্পটে, আজকে সকালবেলাও গিয়ে সবাই আর আট বললাম খোলো, তোমরা কোনো চিন্তা নেই। সমাজের অভিযোগ যে বিজেপি তৃণমূলের লোক বিজেপি থেকে এসছে তারাই করেছে এবং বিজেপি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না। আমাদের দল কোনো বিজেপি বিজেপির দিকে অভিযোগ করছে তৃণমূলের গোষ্ঠীতন্ত্রের জন্য কি কোনো না 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 আমি বললাম তো ও কোন দল করে আমরা নিজেই জানি না, আর তৃণমূলের গোষ্ঠীতন্ত্র কোথায় এটা হলো? তাহলে দল করে না, কোনো দলই করে না ও ছেলেটা। ওর বাবা তো শুনেছি কি বিজেপি করে।
ওর বাবা তো বিজেপি করে, তাহলে কি করে বলছেন আপনি কৃতজ্ঞ গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব? থানার পাশে এরকম একটা ঘটনা কি বলবেন? কিছু বলবো না, থানা ইনকোয়ারি করছে, কারোর উপরে ভরসা রাখছি আমরা, যা হবে ইনকোয়ারিতে চলে আসবে। আমি বললাম তো আপনাকে, ওর নামে ক্রিমিনাল, এটা অতটুকু জানি আমরা, ক্রিমিনাল ছিল, পাবলিক কাল ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করতে গেলে কালকে পাবলিক অন্তলাই করেছে, সেই নিয়ে এই ঘটনাটা হয়েছে। यह घटना भी ठीक जगदल के एक समाज विरोधी बंदी द्वारा बम गिराकर एक पेट्रोल पंप से जबरन तेल लेने के बाद कई घरों में बमबाजी करने वाले युवक के बचाव में सोमनाथ श्याम के खड़े होने वाली घटना की याद दिलाता है। 24 घंटा लाइन भी जगदल इलाके में लगातार चोरी, छिनताई, वसूली व अवैध कार्यों के लिए धड़ल्ले से चलने व इस पर प्रशासन की चुप्पी का खबर करती आई है। यहां तक कि जगदल में भी पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय खुलने के बाद भी इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है प्रशासन। हमारा सवाल, आखिर कब तक?